हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, तो देख लेते हैं कि यूजीसी क्या है। सबसे पहली बात यह थी कि यूजीसी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो 1956 में बनाई गई थी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है यूजीसी एक्ट के तहत। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरी बात यह थी कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री है इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। प्रकाश जावड़ेकर जिसके अंडर जो कंट्रोल करते हैं उनके अंतर्गत ये आती है। इसके बाद में बात आती है इसका काम क्या है। देखो, यूजीसी का मेनली काम ही है कि कॉलेज को ग्रांट वगैरह देती है और कॉलेजों के लिए जो सिलेबस वगैरह है उसमें हेल्प करती है उनको। इसके साथ ही उनको रेगुलेट वगैरह करने में, मतलब अपनी कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी मनमर्जी ना कर सके इंडिया में, तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इसके साथ ही एक स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करती है और कॉलेज वगैरह को, यूनिवर्सिटी वगैरह को मॉनिटरिंग वगैरह करने का इसका काम है। अब देखो, कंटेक्स्ट की बात ऐसी है, कंटेक्स्ट यह था कि अभी हमारे देश में गवर्नमेंट है वो हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। इसके लिए यूजीसी ने थोड़ा ये प्रावधान रखा है कि भाई जो भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप क्लास की उनको थोड़ा क्या छूट दी है हमारे देश में, ताकि उनको ऑटोनॉमी रहेगी। तो मतलब क्या रहेगा, वो फॉरेन के जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको ज़्यादा बुला सकती हैं या फॉरेन का स्टाफ वो मैनेज कर सकती हैं जो निर्धारित तरीके से उससे ज़्यादा। इसके साथ ही वो जो स्टाफ वगैरह सिलेबस वगैरह उसको भी अपने अकॉर्डिंग है, जो मतलब हायर एजुकेशन के हायर जो वर्ल्ड के टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस है वो अरेंज कर सकती है। तो इन सब के लिए कुछ ऑटोनॉमी वगैरह प्रोवाइड किए, तो उसी को लेके यह जो कंटेक्स्ट है वो है। तो अप्रोक्सीमेट अभी देखो, पहले 10 और 10-20 भी प्राइवेट, 10 तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी और 10 ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी। इसके बाद ही वो आई थी यहाँ पे राइज स्कीम के तहत, और इसके तहत अभी गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेट 62 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट को, उनको भी थोड़ी ऑटोनॉमी वगैरह दी है। तो ये इतना सब तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई की कितने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, बट ये ध्यान रखना कि यूजीसी ने अभी क्या किया है और राइज स्कीम किस लिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में ये जो आगे देखते हैं, अगली जो छोटी सी न्यूज़ है वो आई है प्लास्टिक पार्क के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया इंडिया में, ये यूपीएससी पूछ सकती है। ये मेनली झारखंड में, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दियोगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। अब होगा क्या इस प्लास्टिक पार्क में, इसमें होगा कि जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करने के लिए जो भी प्रॉपर प्रोसीजर वगैरह है उसका यूज़ किया जाएगा। मतलब मेनली प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक काफ़ी बड़े मात्रा में प्रोड्यूस है वो किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। यूपीएससी इस तरीके से कई बार बहुत ईजी से क्वेश्चन है वो भी पूछ लेती है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो आई है बी आई आर एस सी के बारे में, तो देखते हैं क्या इस आर्टिकल में। बी आई आर सी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि बायोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन जो काउंसिल है इसका 6th फाउंडेशन डे था, 6th फाउंडेशन डे था, उसके मौके पे ही एक्चुअली जो थीम वगैरह है उसको लेके कंटेक्स्ट आया। तो वो थीम भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या थीम है इस बार की। वो है सस्टेनिंग इनोवेशन ए मार्केट ड्राइवन पाथवे, तो ये इसकी इस बार की थीम है। अब देखते हैं हम इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं ये क्या है बी आई आर ए सी के बारे में। ये सबसे पहली बात यह थी कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, भाई नॉट फॉर प्रॉफिट है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई इसका काम क्या है, आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, इसका मेनली काम ये है कि हमारे देश में जो बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च वगैरह होती है उसमें काफ़ी हेल्प करती है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसका मेन फोकस यही रहता है कि हमारे देश का जो बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसको आगे लेके जाना। इसलिए क्या करती है कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को या बायोटेक्नोलॉजी एजेंसीज हैं इनको एम्पावर करने के लिए उनको रिसर्च वगैरह वो प्रोवाइड करती है, नए इनोवेशन देती है, उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही उनको आईपी मैनेजमेंट, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको मैनेज करने में उनको अवेयर करवाने का काम भी करती है। इसके साथ ही रिस्क कैपिटल, जैसे उनको कोई भी कैपिटल वगैरह की जरूरत होती है, कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स से होती है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनको रिस्क कैपिटल भी प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ मेन काम क्या है, और वो है ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। मतलब इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है इसको वर्ल्ड क्लास सेक्टर बनाने के लिए ही इसका मेन काम है वो रहता है रिसर्च वगैरह करना, बाकी सारे काम इसके द्वारा किया जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको कोई नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या है कोई एनजीओ वगैरह क्या है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रख लेनी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। काम क्या है कि इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है इसको आगे लेके जाना है, इसके लिए उनको कैपिटल प्रोवाइड करना, ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी वो देना है, रिसर्च करना, इनोवेशन लेके आना, नए नए आइडियाज़ का, इसके साथ ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उन सब के लिए है बॉडी वो काम करती है। तो ये इसके बारे में कंटेक्स्ट था, हमने जो थीम थी वो भी डिस्कस कर ली है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेनली कल्चर मिनिस्ट्री रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है। ये आर्टिकल आया है मेनली एनसीएए के बारे में, नेशनल कल्चर
ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट के बारे में, तो यह हम अच्छे से देख लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है प्रोजेक्ट वगैरह भी सब। कंटेक्स्ट देखो, सबसे पहले यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है NCA नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट, ये एक प्रोजेक्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, तो एक तो क्वेश्चन बन जाता है यहीं पर। अब कंटेक्स्ट इसके साथ और क्या है, इसका मेन कंटेक्स्ट यह है कि भाई जो NCAA है ना, इसको वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रस्टेड डिजिटल रिपोजिटरी घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया, वो क्या है, प्राइमरी ट्रस्ट वर्दी डिजिटल रिपोजिटरी ऑथेंटिकेशन बॉडी है, जो कि यूके की है, यूके बेस्ड। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ये यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी बेसिकली डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछ सकती है कि पहली जो ट्रस्टेड डिजिटल रिपोजिटरी है वो कौन सी है, तो वो है NCAA, जो कि आती है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर। यह मेनली एक प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल रिपोजिटरी वगैरह बनाने का काम करता है। तो ये तो इसके बारे में, कौन किसके द्वारा इसको ऑथेंटिकेशन वो किया गया, वो किया गया है प्राइमरी ट्रस्ट वर्दी डिजिटल रिपोजिटरी ऑथेंटिकेशन बॉडी लिमिटेड, यूके, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड। अब चलते हैं हम आगे कि भाई NCAA के बारे में इसका काम। अब NCAA है ना, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह सबसे पहले बात है कि जो ये प्रोजेक्ट है, कि ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वो किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा, IGNCA के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट है, इसको वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो क्या आपको याद रखना है, इसमें एक तो यह ध्यान रखना कि कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया वो किया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने। अब इसका काम क्या है, इस प्रोजेक्ट का काम देखो ये है कि हमारे देश में जो भी कल्चरल हेरिटेज है ना, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको प्रिजर्व करना, उनको ऑडियो विजुअल फॉर्म में बनाना, मतलब उनकी डिजिटल रिपोजिटरी वो बनाना, जैसे उनकी वीडियो फिल्म वगैरह बनाना, ये सारा काम है इसका। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिजिटलाइजेशन को फोकस करते हुए इसका मेन यही ध्यान रहता है कि जो भी हेरिटेज है उनको संभाल के रखना, इसके साथ ही डिजिटल वीडियो वगैरह या ऑडियो वगैरह के, मतलब ऑडियो वीडियो उसका बना के फिर लोगों की पहुँच तक पहुँचाना, जैसे कि लैपटॉप वगैरह में या फिर कहीं भी कोई वेबसाइट वगैरह पर अपलोड कर दिया, ताकि लोग उस चीज़ तक आसानी से पहुँच सके, लोगों को उसके बारे में पता हो कि हाँ भाई ये हमारी हेरिटेज है, उनके बारे में लोग अवेयर हो सके। तो एक तरह से रिपोजिटरी मतलब डाटा संग्रह एक तरीके का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यह डिफरेंट NGO और गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ मिलकर है काम करती है। और ये जो रिपोजिटरी हम लोग डाटा सेंटर ये बनाया गया है, जो कि मैं इसमें ऑडियो वीडियो साहित्य की फाइल्स रहेंगी, ये बनाया गया है CDEC के द्वारा, जो कि पुणे बेस्ड है डिजिटल रिपोजिटरी। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, यह मेनली इंडिया का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडियन आर्ट्स को क्या करता है, समझता है, उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ है। मतलब मेन काम इसका यह है IGNCA का, कि हमारे देश की जो भी आर्ट्स वगैरह है, रिसोर्सेज वगैरह है, उन सबको एक्चुअली एक जगह रखना, एक डाटा बैंक बना के रखता है हमारे देश की आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज़ को, और जो कल्चरल हेरिटेज है, ये इसका काम है IGNCA के बारे में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, कन्फ्यूज नहीं होना है इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात ही आती है कि एक नोडल एजेंसी है, नोडल बैंक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्ट जो कला होती है उसके लिए, ह्यूमैनिटीज है उसके साथ ही, इसके साथ कल्चरल हेरिटेज है, उन सब के लिए डाटा बैंक का काम करता है। मतलब जैसे पावर बैंक होता है उसी तरीके से, वो पावर बैंक में पावर होती है, इसलिए इस यहाँ पे क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज की जो डाटा वगैरह आता है उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है यूनेस्को का। वो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई यूनेस्को ने इसे एक नोडल एजेंसी के रूप में भी आइडेंटिफाई है। किसकी नोडल एजेंसी, वो ये है कि साउथ एंड साउथ ईस्ट, जो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, मतलब आपको याद रखना कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो आर्ट और जो कल्चर हेरिटेज है, जो लाइफ स्टाइल है, उसकी भी रिपोजिटरी बनाने का काम है या डिजिटल बनाने का काम है, वो किया जा रहा है IGNCA के द्वारा। तो इसलिए ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, UPSC स्टेटमेंट के थ्रू इसके बारे में पूछे हो सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसी आर्टिकल में एक्चुअली 4-5 क्वेश्चन वो डायरेक्टली कवर है, वो हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो एक छोटी सी न्यूज़ थी वो थी IDF के बारे में, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस। तो ये चीज़ देखनी है वो। कंटेक्स्ट ये है कि जो IDF फाउंडेशन था, इसको एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए टर्मिनेट है, बंद है, वो कर दिया है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं भाई है क्या, क्योंकि यह UPSC बेसिक पूछ सकती है, और क्या इसका काम है। जो इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन है, यह मेनली आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका काम क्या है, इसका काम देखो मेनली ये था कि जैसे फॉरेन के अंदर इंडिया के जो लोग रहते हैं, वो इंडिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह के लेकर पैसा देना चाहते हैं, जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला उसके लिए, मतलब किसी भी रिनोवेशन वगैरह का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, अब उसके लिए अगर पैसा देना चाहते हैं तो वो इस फंड में या इस फाउंडेशन में पैसा है वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और यह मेनली FCRA के अंतर्गत आता है, तो अभी इसको गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए बंद किया है, तो उसको लेके कंटेक्स्ट है, तो हमें ध्यान रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। यह आता है मेनली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो यह थी जो कुछ न्यूज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम आज ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज से काफी अच्छे क्वेश्चन है आपको एक्चुअली, जिन ये वही क्वेश्चन है जिनके बारे में हमने पहले काफी डिबार डिस्कस कर लिया है। आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ भी लेती है। आपको बताना है कि क्या कोई विमान या पोत बनाने से रिलेटेड है, या फिर कोई पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली है उसको डेवलप करने के लिए है, या फिर कोई स्वदेशी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनाने से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा इनमें से सही है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। देखेंगे इसका ऑप्शन है वो थर्ड बिल्कुल सही है कि स्वदेशी क्लास की जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण है वो किया गया था। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलो आपको एक और बताना है, वो बताना है काफी ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि आजकल एक नाम एक वर्ड था वो न्यूज में था, ऑक्सफैम की एक रिवार्ड वर्क नॉट वेल्थ रिपोर्ट आई थी। ध्यान से सुना, ऑक्सफैम की रिवार्ड वर्क नॉट वेल्थ एक रिपोर्ट आई थी, यह किससे रिलेटेड है, मतलब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा है कि टैक्स चोरी के बारे में, तीसरा है इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसके बारे में, और चौथा है भ्रष्टाचार। तो आपको बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नहीं बता रहा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप लोगों के बारे में काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा देखना कि भी है क्या है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है, क्योंकि इसमें इंडिया को काफी क्रिटिसाइज वगैरह भी किया गया था। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्चुअली आजकल भारत में जो रेफ्रिजरेटर में जो मछलियों का भंडारण किया जाता है ना, उसमें एक रसायन की मिलावट का नाम आया था न्यूज़पेपर में काफी टाइम पहले, तो कौन से रसायन की बात थी। पहला ऑप्शन है वो है फॉर्मेल्डिहाइड या ईथर, दूसरा है कि अमोनिया, तीसरा है कि ईथर और बेंजीन, और चौथा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है वो फोर्थ है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।